राजधानी दिल्ली के होलसेल मार्केट सदर बाजार में ग्रीन पटाखे की डिमांड सबसे ज्यादा है, मगर ग्रीन पटाखे की कमी से कारोबारी भी परेशान हैं। बाजार में ग्राहक महंगे दामों में भी पटाखे खरीदकर दिवाली धूमधाम से मनाने के मूड में दिख रहे हैं, लेकिन पटाखे की कमी और ज्यादा वैरायटीज न होने से ग्राहक निराश होकर लौट रहे हैं। पारंपरिक पटाखे पर रोक के बाद इस बार बाजारों में ग्रीन पटाखे तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम वैरायटीज होने के साथ साथ महंगे होने के कारण आम ग्राहकों के बजट से दूर हो रहा है। दिल्ली के सबसे बड़ा होलसेल मार्केट में भी इस बार इक्के दुक्के दुकानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री हो रही है, जहां ग्राहकों का हुजूम तो बहुत है, मगर पटाखों की वैरायटीज में कमी होने के कारण मायूस जरूर दिखे। लेकिन बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए इस बार जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। पटाखे नहीं मिले, बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते ना, पटाखे नहीं है तो बच्चे एंजॉय, लेकिन सरकार ने अच्छा करा है पटाखे बंद करा के। हाँ, अभी क्या क्या मिला? नहीं, फुलझड़ियाँ चली, फुलझड़ियाँ मिली वो ही लिए ग्रीन पटाखे। हाँ जी, कॉस्ट के मामले में पूछे तो कॉस्ट सही है, जो रेंज है आजकल के जो कॉस्ट चल रही है उस हिसाब से सही है। यह हो जा रही नहीं होने ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी ये है कि माल महंगा जरूर मिल रहा है, कोई शॉर्टेज की वजह से महंगा हो रहा है, काला बाजारी कोई नहीं। अब थोड़ा बहुत 19-20 का रेट का जो है फर्क पड़ रहा है, और कस्टमर पैसे दे भी रहे हैं क्योंकि माल नहीं मिल रहा है। बाकी ग्रीन क्रैकर जरूर हम कह रहे हैं 30% कम पोल्यूशन है, लेकिन इसको जो है ज्यादा स्केल पे काम करना चाहिए था, जिसका किया नहीं गया, तैयारी की नहीं गई, और माल जो है खाली फुलझड़ी और अनार से कुछ नहीं होने वाला।